खबर टॉक के देवली से है, जहां पर लॉकडाउन के चलते क्षेत्र का पर्यावरण शुद्ध हो गया है। जी हां, नदी और तालाबों का पानी भी पूरी तरीके से निर्मल यहां पर हो गया है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला बीसलपुर डैम में, जहां पर बनास का पानी कांच की तरह साफ हो गया। इसके चलते पानी के भीतर की चीजें साफ नजर आने लगी है। इसी तरह क्षेत्र के दूसरे तालाबों का पानी भी स्वच्छ और निर्मल हो गया है। लॉकडाउन ने प्रकृति की पूरी फिजा को बदल दिया है। पॉल्यूशन का स्तर कम हो गया है, हवाएं शुद्ध हो गई है, पक्षियों की चहचहाट साफ सुनाई पड़ रही है, नदियों में तालाब का पानी स्वच्छ व निर्मल हो गया है। कुछ ऐसा ही बीसलपुर डैम में बनास नदी में इन दिनों दिखाई पड़ रहा है, जहां का पानी स्वच्छ निर्मल व कांच के माफिक बन गया है। लोगों ने बताया कि आज से पहले कभी भी बनास नदी को इतना साफ स्वच्छ नहीं देखा गया। लोगों ने बताया कि गंदेले पानी के कारण एक बार तो लोग नहाने के लिए ठिठक से जाते हैं, लेकिन अब बनास नदी की स्वच्छता व निर्मलता को देखकर लोगों को कोई गुरेज नहीं है। इस लॉकडाउन के माध्यम से प्रकृति ने पूरी मानव जाति को यह संदेश दिया है कि यदि हमें सुरक्षित जीवन की परिकल्पना करनी है तो प्रकृति की रक्षा करते हुए पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर देना होगा। A1 TV न्यूज के लिए मनीष बागड़ी, देवली टोंक।